वात रोगों के लिए मैंने कई बार कहा है, वात हो, कफ हो, ओबिसिटी हो, कैंसर हो, जब आप उपवास करते हैं और भूख को जब भोजन नहीं मिलता तो भूख आपके रोगों को खाती है, आपके विकारों को खाती है। उपवास और उपासना का बहुत बड़ा महत्व है। उपवास से तन के, उपासना से मन के रोग विकार पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, आप दग्ध बीज निर्बीज हो जाते हैं। इसलिए लंबी तपस्याओं के, लंबी साधनाओं के ये दो बड़े साधन है, उपवास और उपासना। लेकिन इसके तौर तरीके होते हैं, अनाड़ीपणे से नहीं करते। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं वे मरकटासन से लेकर के और कट्युत्तानासन तक, और जिनको ओबिसिटी है वे अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और नहीं भी है मेरुदंड की समस्या तो थोड़ा थोड़ा तो सभी कर। अब 80% लोगों को कोई ना कोई शरीर में दर्दें हैं, उसका इंस्टेंट उपाय बता रहा। थोड़े दिन के लिए सब खाना पीना बंद करके खाली एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, ये जो पांच चीजों का यहां जूस पिलाते हैं आपको, आप भी पी लेना। पीड़ानिल पे बोलते हैं इसको, पीड़ानिल पे नाम रखा हमने इसको, पीड़ानिल पे पीना। नहीं तो अक्सर क्या होता है, वात रोगों के लिए दवाइयां खाते हैं ना, उपवास करते हैं और फिर दवाइयां खाते हैं तो गर्म कर जाती है। ये पीड़ानिल पे गर्म नहीं करेगा। किसी को फ्रेश ना मिले, उबाल के पियो तो ठंडा करके पी लेना, और यदि पित्त नहीं बढ़ता है, गर्मी नहीं बढ़ती है तो आप गर्म पी लो। वात पित्त कफ प्रकृति के अनुसार ठंडा जूस, काढ़ा ठंडा करके अथवा गर्म गर्म अपनी आवश्यकता के अनुसार ले लो। ये रामबाण है। एक बहन आई पश्चिम बंगाल या कलकत्ता से, कहां से आई थी, निरामयम। वो देखते देखते ही ऐसे ढह जाए, उसका वात ऐसे बढ़ जाए कि एक कदम चलना तो बहुत दूर की बात, जरा सा मूवमेंट ना कर पाए। मैंने ऐसे हजारों रोगियों को देखा है, अलग अलग तरह से वात रोग का अटैक सा आए उसको। इसमें हम बृहत वात चिंतामणि देते हैं, बृहत वात चिंतामणि, इंस्टेंट बेनिफिट। ये एलोपैथी में जो पेन किलर, स्टीराइड और बायोलॉजिकल देते हैं, ये तो सब शरीर में उत्तेजना पैदा करके और शरीर का विध्वंस करने वाले बहुत ही घातक तत्व है। बृहत वात चिंतामणि, ये वात रोगों के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र औषधि कही है, लेकिन थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आवश्यकता होने पर देनी पड़ती है, तो थोड़ी गर्म भी होती है, तो इसमें मोती पिष्टी और मिला देते हैं। 1 ग्राम बृहतवात चिंतामणि और 2 ग्राम मोती पिष्टी मिला दिया और इसकी 2 पुड़िया बना दी, सुबह शाम खाली पेट खिला दी। कितना ही भयंकर वात रोग हो, लेते इंस्टेंट बेनिफिट। अब बताइए इससे बेहतर और क्या होगा, लेते ही फायदा वात रोग। बाकी तो 10 तरह की आपको दवाइयां देते हैं जो धीरे धीरे लाभ करती है, अंदर से बॉडी को रिपेयर करती है, वो भी जरूरी है। अंदर से कार्टिलेज घिस गए, रीढ़ की हड्डी के मणके घिस गए, बहुत तरह की दिक्कतें हैं। तो जिनको कमर के रोग हैं वे आराम आराम से कर लेना मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, एक अपाद उत्तान आसन, सेतु बंध कटि उत्तान।
पीडानील गॉड ऑर्थो ग्रिट न्यूटिला ऑर्थो केयर, फिर योगराज महायोगराज गुग्गुल त्रयोदशा गुग्गुल लाक्षाद गुग्गुल कैशोर गुग्गुल चंद्र प्रभावटी पुनर्नवादि मंडोर वातारी चोण, अलग अलग प्रकार से शिलाजीत का प्रयोग, अश्वशिला का प्रयोग, फिर वात रोग का असर ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर पड़ गया है तो फिर न्यूरोग्रीट, फिर अंदर से नाड़ीगत वात हो गया है तो फिर उसको सीबकथोनिया न्यूटिला ओमेगा, बातें छोटी छोटी हैं। ये वात रोगों की फैमिली है ये एसेलियम एसोटोमेन डिजीज, अलग अलग प्रकार के जो वात रोग है। बृहत वात चिंतामणि पूरे शरीर में दर्दों के लिए, रसराज रस ये नाड़ी वात के लिए, अब लंबा अभ्यास करना है पवन मुक्तासन उत्तान पादासन नौकासन सेतुबंध पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन सर्वांगासन हलासन का, तो अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार अब आसनों का चयन करके कुछ लंबा अभ्यास करो। अभी मैंने इंस्टेंट बेनिफिट देने के लिए वात रोगों में बृहत वात चिंतामणि, और वात रोग जब नस नाड़ियों पर असर करने लगता है, शैटिका पेन हो जाता है, पार्किंसन हो जाता है, अल्जाइमर हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, तब रस राज रस, फिर इसके लिए कुछ नई औषधियां भी हमने बना दी, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट, सीबकथोन या ओमेगा, ये तुरंत लाभ कर।